मीडिया का ये कार्यक्रम हम सब सभी भक्त हैं, यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भारत के हिस्सों से, शर्मा जी को खास करके बताना चाहूंगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हमारे वीरेंद्र जी सामने हाई कोर्ट के अच्छे वक्ता हैं, वकील हैं, हमारे रेशमा जी हमारे बीच में हैं, हमारे राजीव भार्गव जी बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका कार्यकर्ता भाजपा हराओ अभियान है, इसके अंतर्गत आपने क्या क्या रणनीति बनाई है थोड़ा बताया। पत्रकार महोदय, आज हमारा ये दूसरा प्रेस से बातचीत हो रही है, भाजपा हराओ अभियान जी। वो चूंकि सत्ता में आज भाजपा है तो इसलिए सीधा सीधा कि सत्ता को हराओ कहते, तो हमने कहा भाजपा को हराओ, क्योंकि जब भाजपा, अगर जो सत्ता में बैठा उसे अगर नहीं हराओगे तो जीतोगे किससे? दंगल में जो जीता होता है उसी को हराया जाता है, तो इसलिए भाजपा हराओ का ये अभियान रखा। और जो भाजपा ने गलतियाँ की जब वो अच्छे कर रहे थे, हमने उनको अच्छा कहा, लेकिन आज 9 साल हो गए हैं, 9 साल के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तानाशाही की तरफ जा रहा है, कॉरपोरेट हाउस जो है देश को लूट करके देश को बर्बाद कर रहा है, और हमारी सरकार गुमसुम बैठी है, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे गिर गया है, तो ऐसी हालत में सरकार बने रहना कौन सा उचित बनता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 50 साल तक अखंड भारत पे राज करेंगे और कोई नहीं आएगा, तो मैंने कहा मेरे भाई ये तो गलत है, जनता क्या करेगी, इसका मतलब जनता ही नहीं है, तो जनता जिसको जिताएगी वो राज करेगा, तो उसमें जो है ये कहना कि 50 साल राज करेंगे ये ठीक नहीं है, ये तानाशाह की तरफ है। हम तब मैंने कहा कि अगर 50 साल शासन करना है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन बंद कर दो, आप हमने चुनाव ही बंद कर दो, करोड़ों रुपये जो खर्च होता है, आप जो मशीनों में जो गड़बड़ी सब करते हो वो उसका जो है निराकरण, अलग अलग मांग लोग कर रहे हैं और उन्हीं मांगों को ले करके हम लोग जा रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, कोई और दूसरी पार्टी हो, किसी को भी बहुमत मत दो। 272 की जादुई आंकड़ा जिस पे 100 लोग जो है निरंकुश हो गए हैं, जिन्होंने आवाज़ देने लगे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, उन्हें रोकना होगा और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी संगठन है, छोटी छोटी पार्टियाँ, उनको आगे लेके जा रहे हैं। 16 मार्च को हम लोगों ने जंतर मंतर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारत के कुछ लीडर्स भी होंगे, सामाजिक संस्थाएँ भी होंगे, पब्लिक भी होगी, तो 16 मार्च को हमने एक हुंकार भरना है। चंद्रिक विद्वान लोग हैं, सारी बात खुशी इस बात की है कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये दुआ साहब ने किया। हम लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी एक ही चीज में आस्था है कि दुआ करो। जब लाइलाज कोई चीज हो जाती है तो कहते हैं दुआ करो, प्रार्थना करो, तो ये जब दुआ ही इस कार्यक्रम के आयोजक हैं तो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी, ये नहीं समझ में आ रहा। साथियों, आज के इस मौके पर मैं केवल मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपका सबका पार्टी की तरफ से, माननीय शरद पवार साहब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए और एक शक्ति दी, क्योंकि आज का जो आंदोलन है जिसकी शुभारंभ आज यह हो रहा है आपकी मौजूदगी में, आपकी गवाही में, आपके द्वारा, ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन से कम नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई दूसरे लोगों के साथ थी, ये लड़ाई अपनों के साथ है, और ये अपने ऐसे हैं जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, पति को पत्नी से लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, नौजवान को बुजुर्ग से लड़ाते हैं, व्यापारी को कंज्यूमर से लड़ाते हैं, किसान को व्यापारी से लड़ाते हैं, ये लोग हैं। इस क्रम में जो बैठक हो रही है, जो सम्मेलन चल रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक बैठक है, बचाते हुए इस बैठक को कामयाब करने में आप लोग मनसा कमरा वाचा समर्पित संकल्पित भाव से देश हित में, समाज हित में, मानवता के हित में, गंगा जमुनी तहजीब के हित में अगर आप लोगों ने दिल खोल कर साथ दिया तो, वरना अलंकारों से, शब्दों से, नारों से न मोदी जाने वाला न कोई आने वाला है।
और मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि संजय नायडू दुआ जी का फोन आया, आग्रह किया मैंने, कहा मैं जरूर आऊँगा, अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं आया हूँ, भविष्य में भी आता रहूँ, लेकिन सरकार हराने काम, सरकार गिराने काम ये जनता का है, हमारा काम नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास राय है, सलाह दूंगा, जब दुआ जी कुछ चुनिंदा लोग आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, मंत्रणा होगी, इस ताला खोलने की चाबी मेरे पास है, सरकार गिरेगी कैसे वो मेरे पास चाबी है। नहीं मैं बता प्रेस में बताऊँ, क्योंकि देखिए मैं तो पहली बार तो मैं गोरखपुरी हूँ और गोरखपंथी हूँ, एक गोरखपंथी उधर, एक गोरखपंथी इधर, रोगी उधर, आगे रोगी इधर, तो चिंता की बात नहीं है, जो आप पूछेंगे, जहाँ से पूछेंगे, जैसे पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। इस देश का संत, सैनिक, किसान और धर्माचार, धर्मोपदेशक और शिक्षक और विशेष रूप से ब्राह्मण भाई अगर अपनी बात को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक निष्ठा के साथ करने लगे और दुआ जी जैसे लोगों के लिए दुआ करें और गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मुदे भगवान, तो इन लोगों भगवान सुमति दे, सदबुद्धि दे कि अपने कर्तव्य पथ पर चले। अभी सरकार तो जा ही रही है, आपने देखा होगा सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में हमारे गांव में देहात में जब कोई आदमी जाने लगता है तो उसका जो बछिया दान करवाते हैं गो दान, इस सरकार ने जो सरकार आई है गोरक्षा के नाम पर आई है। 7 नवंबर 1967 मैं बहुत छोटा था तब, मैं भी आया था पार्लियामेंट घेरने के चक्कर में, गोलियां चली, लोग भागे, लोग मरे, सरकार गई, लेकिन वो हत्यार तक बंद नहीं हुआ। तो हमारा इस मंच से यही आग्रह आप सभी लोगों से, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो और भारत से गोमांस निर्यात पर प्रतिबंध हो, ये 3 सूत्री कार्यक्रम और दुबई जिले चले तो आप 3 महीने का 90 दिन के अंदर इस सरकार का पिंडदान हो जाएगा। कोई जो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हर जोगी जी आपको, या भारत के विभिन्न जनता के बीच में जो पहुंचाना चाहते हैं उसका हमारा 5 बुलेट पॉइंट है। पहला है देश विनाश की तरफ जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, देश के अंदर जो है कॉर्पोरेट हाउस को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको लोन माफ किया जाता है, उनको जो है ओवर ड्राफ्टिंग दी जाती है और बाकी जनता के खून चूसे जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी बहुत ऊपर भाग गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी पे हमारी सरकार ने कहा था कि हर साल 5 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, 1 को भी नहीं दिया, 1 करोड़ को भी नहीं दिया, ले गया। महंगाई जो हमारी चरम सीमा ले रही है, हमारे घर नहीं चल रहे हैं, हमारी जो माताएं बहनों बहने हैं उनकी छुआ नहीं चल रहा है, हमारे जो उज्ज्वला योजना बनाया गया वो जो सारे सिलेंडर वो जो है बैठने का काम कर रहा है कुर्सी बन गया है और हमारा स्वास्थ्य भी बदहाली की तरफ गया है। झूठ और नफरत की राजनीति करके, ये जातपात की राजनीति करके ये सेवर कंट्री को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के जो प्रजातंत्र या राजतंत्र के रूप में ले जाना चाहते हैं उसकी साजिश पे हम लोग ये गुमराम रखा। और साथ ही हमने आप लोगों को कहा कि हमारे जो घोषणा पत्र जो बीजेपी का है, हमारे उमा भारती जी से फोन पे बात हुआ, वो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आई, उन्होंने कहा कि भारत का जो सरकार है उसने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें बात नहीं हो रही है, नदियां साफ नहीं हो रही है, हमारा जो है पर्यावरण ठीक नहीं हो रहा है। और इस मिशन को दुआ साहब ने जो आह्वान किया है इसके तलहटी में जुड़ी हुई कड़ी गोपाल प्रसाद जैसे दिग्गज साथी, सागर प्रसाद गुप्ता जी और रामेश्वर ठाकुर जी और तमाम हमारे के साथी जो 21 तारीख को बैठक में बैठकर जो निर्णय लिया है, उस मिशन को मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि आगामी और अगला पायदान दिल्ली छोड़कर अदर स्टेट में यह कार्यक्रम को आप लेके जाएं। सम्मानित हमारे साथी
1200, 1800, 900, 500 किलोमीटर दूरी से चलकर यहाँ आज जो शिरकत किए हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। एक आह्वान पर आपने आने का काम किया, आप अपने प्रदेश में पहुंचकर ये बैनर तैयार करिए, दुआ साहब आपके पास आपके दरवाजे पर मौजूद होंगे या सरकार जाएगी निश्चित है। धन्यवाद साथी। अलमदार अब्बास, देश का बढ़ता कर्जा कोरोना ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है। भारत की जनता के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन 25 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स लग गए। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ से जो कर्जा लेते हैं, प्रधानमंत्री ने पिछले साल 16.61 लाख करोड़ रुपए लिया था। कितना? 16.61 लाख करोड़ रुपए। इस साल उन्होंने कहा कि हम कर्जा नहीं लेंगे। कर्जा कितना लिया? 15.4 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो कि भारत सरकार को टैक्स देती है और भेल गेल कोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे सरकार कितना छीन रही है, ले रही है? 3 लाख करोड़ से ज्यादा। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, सरकार ने अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे वापस कितना ले रही है? 0.51 लाख करोड़। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था है। देश जो है विघटन की तरफ, जिस तरह से सोवियत यूनियन 16 देशों में टूटा, आज भारत को बचाने के लिए देश कितने कर्जे से देश को बचाने की जरूरत है। और जो सत्ता बदली बार बार और एमयूजुआ जी व्यवस्था बदल रहे हैं इस बार, तो मैं कहूंगा उठो जागो और संघर्ष करो और इस सत्ता को उखाड़ फेंको और व्यवस्था बदल दो। और एमयूजुआ ने जो यहां एक चिराग जलाया है, एक दिया जलाया है, इस दिए से दिए को जलाओ, ऐसी रोशनी करो जो पूंछ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाए, कच्छ से लेके गुजरात से लेके कोहिमा नागालैंड तक जाए, और एक संपूर्ण क्रांति आए जिस तरह से 1975 में आई थी। आज जरूरत है 2024 के उठो जागो और संघर्ष करो, सत्ता बदल दी, व्यवस्था बदलो। सारे लोग बोल चुके हैं, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद जय भारत। आयोजक डॉक्टर दुआ जी और उनके साथी, उपस्थित प्रेस बंधुओं एवं बहन, आज डॉक्टर दुआ के आह्वान पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और जो ये स्लोगन दिया गया है, भाजपा हराओ अभियान, ये सफल होगा। हम 1975 इमरजेंसी के दौरान से लेकर के इधर, जिसको लोग कहते थे इंदिरा गांधी का कोई मुकाबला नहीं है, उनको दुर्गा जी का पद दिया गया था अटल बिहारी ने, उनको भी हमारे देश की जनता ने मिल करके हराया और जनता पार्टी की सरकार ने उनको तिहाड़ जेल में भी भेजा। इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, चलिए, चलेंगे तो रास्ता बनेगा, घर में बैठेंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। गाल बजाना ठीक है, लेकिन सड़क पे भी चलना जरूरी है। सड़क पे चलेंगे, सड़क से चलते चलते आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। अगर जेल जाने के लिए आपका सामर्थ्य है तो रास्ता जरूर बदलेगा, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान हजारों लोग जेल में गए थे, तब जाकर के इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था। उसी प्रकार आज जो आपातकाल लगा है, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी आबादी है उनके संवैधानिक अधिकार को भी इस निजी काम ठेकेदारी के माध्यम से खत्म कर दिया गया है, और हम लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के रास्ते में धकेल दिया गया है। अगर आप लोग तय कर लिए हैं, तय करेंगे तो परिवर्तन होगा। मैं पेशे से वकील, जैसा लोगों ने बताया, नाम गौरीशंकर शर्मा,
36 साल की वकालत मेरा अक्टूबर में पूरा हो गया है। इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हमने आप लोगों के सहयोग से लोक समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2019 में करवाया है और देखिएगा अगर कोई नहीं चलेगा तो लोग चलेंगे, हम भी चलेंगे, रास्ता बनेगा, रास्ता बनेगा तो परिवर्तन भी होगा। जिसका सूरज चढ़ता है उसका सूरज डूबता है, नरेंद्र मोदी का सूरज जल्दी ही 2024 में डूबेगा और ऐसा समय आएगा ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस देश में अगर भागना भी चाहेंगे तो उस समय की सरकार भागने भी नहीं देगी। आप देख रहे हैं कि समस्याएं देश में बहुत हैं और आप ये भी जानते हैं, एक रिक्शे वाले से भी पूछ ले कि समाधान क्या है तो बता देगा समाधान भी बहुत है। तीसरा प्रश्न उठता है कि होते क्यों नहीं, होते इसलिए नहीं कि नियत नहीं है, नीतियां बहुत बनती हैं। तो हम ये सोचते हैं दुआ जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है, भाजपा हराओ अभियान, तो बड़ा दिक्कत है कि हम हराने क्यों चले हैं। आप एक सांप को अगर पूंछ से मारेंगे तो वो फन उठा करके आपको काट लेगा, अगर सांप को मारना है तो फन पे मारना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पार्टी लेस डेमोक्रेसी, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं अभी तक 75 साल में जितनी पार्टियां रही हैं उनकी देन है, हम उनसे त्रस्त आ गए और जनता परेशान हो गई, नेता मस्त है जनता त्रस्त है। तो हमें चाहिए कि क्या करना होगा कि ये जो वो करते हैं क्या नाम है, वायदे करते हैं चुनावी वायदे, अगर हम एक बात कह दें उनसे, पत्र में उसी बात को कहने आया हूं कि शपथ पत्र दो, वोट लो, जो कुछ कहना है लिख के कहो और वोट दो, क्योंकि वो लिख के कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका आखिरी सेंटेंस है कि अगर मैं वायदे पूरे ना कर सकूं तो मुझे अपराधी घोषित किया जाए जनता से ठगी के जुर्म में। आप लोग जब वो आपके दरवाजे आए आप कहिए शपथ पत्र दो हमारा वोट लो। तो इस तरीके के हम कुछ चीजें लाए हैं, शर्तें लाए हैं शपथ पत्र में जो इनको हराने का काम करेगी। दुआ जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुमलाबाजी नहीं चलेगा और कंडीशन रहेगा तो प्रधानमंत्री और मंत्रीगण सब लोग काम करेंगे। इसी नीली शब्दों के साथ हम चाहते हैं हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी सितंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है और पूरे देश में इनकम गारंटी यात्रा शुरू करने जा रही है 1 मार्च से और पूरे देश में हर जगह इनकम गारंटी यात्रा होगा। हम पूरे उपस्थित लोगों से और देश के तमाम 140 करोड़ लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि एक प्राकृतिक अमृत वर्षा है इनकम गारंटी यात्रा इस मोदी सरकार के सामने है। इनकम गारंटी का पक्का करे मोदी या गद्दी छोड़े, जनता आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, अपनी संख्या दिखाइए कितना लोगों को लेके आते हैं, 100, 200, 10, 20 वहां लेके आइए 16 मार्च को और पूरे भारत में सभी राज्यों में सभी जिलों में सभी प्रखंडों में ये आंदोलन छिड़ चुका है, चालू हो गया है। मैं अभी बंगाल से उड़ीसा से आया हूं और बाकी जो हमारे साथी अलग अलग कर रहे हैं, फर्स्ट वीक में मैं साउथ इंडिया में हूँ, हैदराबाद में हूँ, वहां के सभी चीफ मिनिस्टर से मीटिंग हो रही है। तो हमारे के शर्मा जी इस बात को लीड कर रहे हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारे 4, 5, 6 कम से कम चीफ मिनिस्टर और जो हमारे जो लीडर के बड़े बड़े लीडर है जो हुक्मरान है वो आएंगे। तो अभियान बुधवार साहब ने बहुत अच्छी पहल की है, इसके लिए बुधवार साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों उपस्थित जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उन सब लोगों को हम सब लोग ये आज ये कहना चाहता हूं मैं कि आने वाले समय में इस आज इस मुहिम की शुरुआत हुई है, इस मुहिम के माध्यम से आने वाले समय में दिल्ली में जन आंदोलनों का ऐसा सैलाब आने वाला है कि इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और इस देश की धर्मनिरपेक्ष और इस देश के अंदर संविधान के मूल आत्मा के साथ चलने वाली जो लोग हैं उनके हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज दुआ साहब ने जो अभियान चलाया है, दुआ साहब को बहुत बहुत बधाई।